वो ये है जो नगर को प्रमोट करता है। आप इस काम को जारी रखें तो हम भी आपको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में वादी नगर में बहार का सीज़न शुरू हो चुका है। हर साल यहाँ टूरिज़म इंडस्ट्री को लेके काफ़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, होटल की शक्ल में, रेस्टोरेंट्स की शक्ल में और इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। हर नए साल अच्छे से अच्छा एक सहूलत टूरिज़म को देने की कोशिश करते हैं, तो यही वजह है कि यहाँ जितने भी होटल्स हैं ये काफ़ी डेवलपमेंट के फेज़ से अभी गुजर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिनों में ये डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह होटल्स बाकायदा खुलेंगे यहाँ टूरिज़म के लिए। तो अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये राकापोशी बेस है, ये मेरे बैक साइड पे देखिए ये होटल है और ऊपर आप देखिए राकापोशी पीक जो कि इस वक्त खूबसूरत व्यू पेश करती है। अगरचे राकापोशी की ये पीक स्नो से कवर है, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपको बहुत अच्छी ब्यूटी यहाँ राकापोशी बेस पर और पूरे नगर वैली में आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ जहाँ सीज़न में टूरिस्ट आते हैं और इसी जगह खड़ा होकर फोटोग्राफी करते हैं। अभी मैं यहाँ राकापोशी बेस के आसपास हूँ, मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लोर किया और मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा मीनापिन, क्योंकि मीनापिन भी वादी नगर का सबसे अहम और मेन टूरिस्ट डिस्टिनेशन है। और मीनापिन वैली के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह वो राकापोशी बेस है, जहाँ से टूरिस्ट ट्रैकिंग करके राकापोशी बेस तक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं मोहसिन भाई? ठीक है, खैरियत? ठीक ठाक। गाइज अभी मुझे मिले मोहसिन भाई, पहले रहते थे छालत में, अब इन्होंने अपनी रहाइश शिफ्ट की है, अभी ये रहते हैं मीनापिन वैली में। तो मेरे ख्याल में आप भी मीनापिन जा रहे हैं ना? जी, इनकी कंपनी मुझे मिल गई है यहाँ से। हम यहाँ से आगे पैदल जाएंगे और अच्छा लगता है, पैदल जाने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि बंदे में फिटनेस आ जाती है। और सीज़न में जब मैं ट्रैक्स करूँगा, टूर्स करूँगा पहाड़ों पे, ग्लेशियर्स पे, तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी और मैं आसानी से ट्रैकिंग करूँगा। तो चलना फिरना वैसे भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बस अभी हम निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता मीनापिन वैली की तरफ। जैसे जैसे अभी हम यहाँ गुलमत वैली से आगे बढ़ रहे हैं मीनापिन की तरफ, हमें जगह जगह बर्फ़ देखने को मिली। ऐसी जगह जहाँ पर धूप नहीं पड़ती है वहाँ बर्फ़ अभी भी मौजूद है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर मुसलसल धूप पड़ती है वहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ पिघल गई है, लेकिन बर्फ़ कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है। तो बहरहाल ये भी एक हुसन है कि बाहर का सीज़न है, अच्छी और बड़ी खूबसूरत और बड़ी गर्म धूप निकली है, लेकिन कहीं कहीं हमें बर्फ़ भी देखने को मिलती है। वहाँ से यहाँ तक हम पैदल चले, कोई 10 से 12 मिनट हमें लगे। अच्छा लगा, मोहसिन भाई से गपशप होती रही, पता ही नहीं चला रास्ते का। अभी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये साइन बोर्ड्स देखें, ये जितने सारे साइन बोर्ड्स हैं तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ मीनापिन जो विलेज है, अगरचे छोटा सा गाँव है लेकिन टूरिज़म से लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो बस हम थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट हम रुकेंगे, होपफुली वी विल गेट, गाड़ी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम है तो इंशाल्लाह मैं उस पूरे टाइम को मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगा और आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ये सेब लेके आए थे अपने जेब में और दो ही सेब थे इनके पास, तो एक सेब इन्होंने मुझे दिया है और एक सेब इन्होंने अपने लिए रखा है। ये दिया आपकी? तो नहीं नहीं, ये आप रखें। ना ना ना, ये आप रखें। तो ये देखें, ज़बरदस्ती इन्होंने दोनों सेब मुझे दिए हैं। हमारी किस्मत देखें कि अभी हमें गाड़ी मिली। अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी में आने का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारा अच्छा खासा टाइम बच गया।
अगर मैं पैदल आता तो काफ़ी टाइम लगना था, आधा घंटा, तो टाइम हमारा बचा। तो अभी हम आए हैं यहाँ मिनापिन विलेज में, ये ओशोथांग होटल जो कि अभी मैं इंटर हो चुका हूँ। अगर हम बात करें यहाँ नगर वैली की टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो इस टूरिज्म इंडस्ट्री की दुनिया में ओशोथांग होटल का एक बहुत बड़ा नाम है। अभी मैं पहुंचा यहाँ ओशोथांग होटल में, और जो सोच के मैं आया था यहाँ मिनापिन वैली, एग्जैक्ट मुझे वही मिला जो मेरी इमेजिनेशन थी। पिछले एक महीने से यहाँ बर्फ़बारी हुई है, तो बर्फ़बारी के बाद जब यहाँ मौसम अच्छा होता है तो काफ़ी अच्छी ब्यूटी यहाँ देखने को मिलती है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, चाय वाय पी लूँगा, और उसके बाद यहाँ से मैं ड्रोन फ्लाई करूँगा, आपको ड्रोन से इस पूरे मिनापिन वैली का भी व्यू दिखाऊँगा, इस होटल का, और साथ साथ ये जो बड़े बड़े पहाड़ जो स्नो से ढके हैं, इन सब का व्यू आपको दिखाऊँगा। पी तो ना शो। अभी हम ओशोथांग होटल के सहन में अभी मौजूद हैं, और मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पे बैठी है, सैयद इसरार हुसैन साहब, गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा नगर वैली में। अगर आप आते हैं, अगर इस इलाके के बारे में थोड़ी सी नो हाउ है, तो शायद आप इनको जानते होंगे। सैयद इसरार हुसैन टूरिज़्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, खुसूसन इस वादी नगर में टूरिज़्म की जो बुनियाद जिन शख्सियत ने रखी है, तो ये शाह साहब हैं। माशाल्लाह बड़ा नाम है इनका, पाकिस्तान लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। खुसूसन इनके जो खाने हैं, गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर वादी नगर के जो कल्चरल और ट्रेडिशनल खाने, ये अपने रेस्टोरेंट में बनाते हैं ऑर्डर पर। माशाल्लाह से इनके खाने भी बहुत मशहूर हैं, तो इसी वजह से इन्होंने बहुत कम वक्त में नाम कमाया है। तो इससे पहले ये दीरान गेस्ट हाउस चलाते थे, तकरीबन लगभग 20 साल से इन्होंने दीरान गेस्ट हाउस चलाया, और आपको पता है कि दीरान गेस्ट हाउस का एक नाम है पूरी दुनिया में। तो पिछले साल दीरान गेस्ट हाउस इन्होंने छोड़ा है, और यहाँ ओशोथांग होटल आए, उन्होंने ये सारा सेटअप किया। अगर आप आते हैं गिलगित बल्तिस्तान समर में, अगर आपका विज़िट रहता है नगर में हुंजा में, तो आप ज़रूर आइए यहाँ मिनापिन विलेज में, बिल्कुल कराकरम हाईवे के साथ 8-10 मिनट की ड्राइव है कराकरम हाईवे से। आप यहाँ आइए, इनके पास रूम्स भी हैं माशाल्लाह से डिस्काउंट रेट पर, ये आपको रूम देंगे। इनके पास बड़े मशहूर खाने भी हैं, वादे नगर के ट्रेडिशनल खाने। आज का हमारा दिन बहुत बिजी रहा, 2 से 2.5 घंटे पूरे मैंने यहाँ गुजारा, काफ़ी अच्छा माहौल रहा, और ड्रोन भी हमने फ्लाई किया, आपको व्यू दिखाया। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।